ये लड़का अपने स्पेसशिप में पौधे लगा रहा था, तभी एक एस्ट्रॉइड उसकी जहाज से टकरा जाता है और उसका स्पेसशिप नीचे एक छोटे से ग्रह पर गिर जाता है। तो वो पृथ्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। फिर गुस्से में एक पत्थर को लात मारता है पर पत्थर दोबारा उसी को आकर लगता है। तो वो दोबारा ऐसा ही करता है तो पत्थर जोर से लगता है। फिर वो एक आम का पौधा लगाता है पर पौधा थोड़ी ही देर में सूख जाता है, जिससे लड़का निराश हो जाता है। तभी एक UFO उसकी ओर आता है और वहाँ क्रैश हो जाता है। तो लड़का UFO के पास जाकर देखता है तो उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो निशान का पीछा करता है तो उसके आम के पौधे का कांच के उसके पैरों में आकर गिरता है और आम का पौधा तेजी से बड़ा हो रहा था। जब वो पेड़ के पास जाता है तो उसे एक एलियन लड़की दिखाई देती है जो अपनी शक्तियों से उस आम के पेड़ को बड़ा कर रही थी। तो एलियन लड़की उस लड़के के पास आती है और लड़के की जहाज में भाग जाती है और अंदर से सभी पौधों को बाहर ले आती है और दोनों जमीन में लगाने लगते हैं। तभी एलियन लड़की अचानक से लड़के का हेलमेट उतार देती है, जिससे लड़के को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो लड़की उसके सामने अपना जादू दिखाती है और वो सांस लेने लगता है और कुछ दिनों बाद उनके आम के पेड़ के आम पक जाते हैं। लड़का एलियन को आम खाना सिखाता है और एलियन को आम बहुत पसंद आते हैं और वो दोनों हंसी खुशी उस छोटे ग्रह पर रहने लगते हैं और दोनों स्पेसशिप को जोड़कर एक घर भी बना लेते हैं। उनकी दो बेटियां और वो दोनों मौज मस्ती से जिंदगी बिताने लगते हैं। पर एक दिन एलियन लड़की बीमार हो जाती है, जिससे लड़का बहुत दुखी हो जाता है और लड़की की मौत हो जाती है, जिससे चारों तरफ सूखा पड़ जाता है और लड़के को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो उसकी दोनों बेटियां उसके पास होती है और लड़के को दोबारा सांस आने लगती है और चारों तरफ दोबारा हरियाली हो जाती है, क्योंकि उन दोनों लड़कियों में अपनी माँ की शक्ति आ जाती है।